आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल क्रोम के किसी भी पेज को पीडीएफ फाइल की तरह सेव कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको अपने फ़ोन में ऊपर एक आइकन दिख रहा होगा रेड कलर का, उस आइकन पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको शेयर पे टैप करना है, उसके बाद आपको प्रिंट पर टैप करना है। प्रिंट पर टैप करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। उसके बाद सेव एज पीडीएफ पे आपको वो टैप करना है, फिर दोबारा से सेव एज पीडीएफ पे टैप करना है, फिर इस ग्रीन कलर के आइकन पे टैप करना है, इस सर्कल पे। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए फिर से वेट करना है। उसके बाद ये तीन लाइनें आ रही हैं लेफ्ट में ऊपर की तरफ, इस पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड्स पे टैप करना है और फिर नीचे राइट की तरफ सेव पर आपको टैप करना है। और ये पेज पीडीएफ की तरह सेव हो गया है। अब मैं अपने फ़ोन में फाइल एक्सप्लोरर खोल के आपको दिखाऊंगा। ये मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोला, डाउनलोड्स पर गया और इस पीडीएफ को मैं ओपन करूंगा और वो पेज गूगल क्रोम का इस पीडीएफ में सेव हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।